ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू मून एंड लीव्स फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, बस आप लोगों को करना क्या यार, थोड़ा सा वीडियो को जो है आप पूरा कंप्लीट देख लेना, क्योंकि गाइस क्या है ना कि अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो यार इसके मतलब कि जो एल्गोरिथम है यार उसमें बहुत ज्यादा मतलब कि यार फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग यार वीडियो कंप्लीट देख लेना। अगर आप क्रिएटर हो तो यार आप लोगों को पता होगा कि यार मतलब भाई मतलब कि किसी एक व्यूअर अगर हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेता है तो हमारे एल्गोरिथम में कितना अच्छा मतलब कि मतलब इफेक्ट पड़ता है ना। तो गाइस प्लीज यार वीडियो कंप्लीट देख लेना भाई। गाइस आप लोगों को जो है मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि गाइस आप लोगों को जो है एडिटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में यार एक प्यार सा कमेंट जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि यार आपके कमेंट यार पढ़ के ना यार बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइस बाद में मतलब ये पता चलता है कि आप लोगों के लिए जो है और भी अच्छा कंटेंट और लाना है। तो गाइस प्लीज यार नीचे कमेंट जरूर करना प्यार सा। तो बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप इस बैकग्राउंड का जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको पहले डाउनलोड कर लेना। देन उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना आपके अपने मॉडल को। ठीक है, तो गाइस आप मॉडल को जो यहां पे मतलब कहीं पे भी बैठ के आप क्लिक करवा लेना। एंड इसका जो मैंने मॉडल का जो वीडियो कट आउट हो मैंने पहले से कर रखा ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जब आप मॉडल यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दोगे तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मॉडल में जो है मतलब कि थोड़ी इसमें जो ब्राइटनेस लाइटनिंग कम है, तो हम एडजस्ट में जाएंगे एंड इसका जो शेडो है हम इसको ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसमें थोड़ा सा ना इसमें मेरे को लगता है कि अब इसमें ना मतलब शेडो तो हमने इसमें बढ़ा दिए, बट इसमें ना टेम्परेचर थोड़ा सा इसमें ब्लू टोन देना चाहिए हमें, तो इसके लिए हम टेम्परेचर को यहाँ पे हल्का सा माइनस कर देंगे ताकि थोड़ा सा ब्लू टोन हो जाए। एंड उसके बाद जो इसमें ना थोड़ा सा ब्राइटनेस भी मेरे को कम लग रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम जाएंगे ब्राइटनेस में। एंड उसका जो मैं ब्राइटनेस है ना मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा नहीं तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अराउंड यहाँ पे बढ़ाऊंगा मैं से 16 तक। एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे गाइस अभी हमें डन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसमें ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से हमें इसकी शेडो बनानी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे इस ब्लैक कलर की शीट जो कि हम हमेशा इसको यूज़ करते हैं शेडो के लिए, तो आपको इसका भी मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे एंड इसे मूव डाउन करेंगे, फिर इरेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज जो है हम कुछ इतना रखेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ पे जो हम यहाँ पे शेडो बनाएंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसे पेंट करना है, मतलब हल्का हल्का जो है मतलब कि पेंट है जो हल्का हल्का बाहर होना चाहिए जिससे कि आपको शेडो बनानी है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शेडो जो है मतलब नकली लगेगी। एंड गाइस मैं आपको इस तरीके से शेडो बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से आता है तो गाइस आप उस तरीके से ही बना सकते हो। ठीक है, मैटर नहीं करता आप किस तरीके से शेडो बना रहे हो, मैटर करता है बस शेडो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो बस आप शेडो बना लेना कैसे भी, बाकी आपको मर्जी है। बाकी हमें इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं जो यहाँ पे पेंट हुए गलती से, फिर इतना जाने के बाद जो हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेंगे ताकि जो है फेक ना लगे शेडो हमारी। ठीक है, तो ओपेसिटी हम यहाँ पे कम रखेंगे एंड इतना यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस इसको हम जो यहाँ पे इजीली डन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम डन कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या आता है गाइस, अब जैसे कि हमारे हाथ में जो है लीव्स हैं, ठीक है, तो इसमें तो यार पत्ते हैं नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड एक फोटो में जाएंगे एंड पीएनजी मैंने आप सभी के लिए बना रखा है, तो आप लोग जो है इस पीएनजी को यहाँ पे डाउनलोड करके एंड इसको यहाँ पे आपको सिंपली आपको जो आपने जो हाथ में ले रखा होगा उसके पास ऐसे लगा लगा ऐसे मतलब ऐसे करके लगा देना। ठीक है, मतलब कि लगना चाहिए कि जो आपने जो पकड़ रखा है उसमें जो लीव्स हैं वो रियल में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लगा लेना आप सभी को। तो मैं इसका यहाँ पे एक डुप्लीकेट और करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे फटाफट से लगाऊंगा। ठीक है, तो रोटेट करके एंड जो मतलब कि आप अपने तरीके से देख लेना आपको कैसे कैसे लगाना है। ठीक है, मतलब कि आपको 4-5 ही लगाना है डुप्लीकेट करके, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा, एंड उसके बाद जो है ज़्यादा मतलब कि नहीं लगाना है, नहीं तो ज़्यादा फेक लगेगा। ठीक है, तो आपको 2 से 3 ही लगाना है, तो उसको मैं फटाफट यहाँ पे लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। फिर ओके गाइस, तो यहाँ तक तो हमने इसमें तो लगा दिया। अब गाइस इसमें तो जो लीव्स हैं जो हमारे गिर रहे हैं वो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे ऐड फोटो में, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक पीएनजी और डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे, तो आपको ये भी दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे नीचे की साइड में कुछ इस तरीके जैसे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है मतलब कि आगे का जो पार्ट है जितना भी आपको उसको इरेज कर लेना है टूल में जाकर, जैसे गाइस ये मैं कर रहा हूँ इरेज इस तरह। ठीक है, तो इतना कर देना इरेज एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसको कर देना यहाँ पे डन। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको करना, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आपको एक विगनेट का पीएनजी। सो ऐसे में ऐड फोटो में जाएंगे एंड इसको ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे विगनेट है, अब यहाँ पे अभी इतना परफेक्ट है, अब इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन।
सो ये यहाँ पे इतना मस्त लग रहा है, ठीक है। तो गाइस इससे जो है हमारी फोटो में एक अच्छा सा लुक आएगा, तो इसको हम यहाँ पे डन करते हैं। अब गाइस देखिए हमारा पिक्सआर्ट का जितना भी काम था हमने यहाँ पे कर लिया है, अब इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे एंड इसको लेके चलेंगे हम लाइट रूम मैप में, ताकि गाइस इसको रिटच करके हम और भी अच्छा बना सकें, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे लाइट रूम मैप में ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पहले से ऐड कर रखा था, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लिया मैंने। तो आपको उसके लिए करना क्या है, आपको जाना है पहले यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन में। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है इसका, ठीक है। एंड इसके बाद जो हाईलाइट है आपको हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज़ करना है एंड एक्सपोजर भी थोड़ा बढ़ा देना है। एंड यहाँ पे जो गाइस आपको शेडो दिख रही है, आपको शेडो को जो यहाँ पे हल्का सा माइनस करना है एंड जो वाइट है इसको इंक्रीज नहीं, इसको माइनस कर देना है वाइट को, ठीक है। फिर इसके बाद जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे थोड़ा कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, हल्का सा टेम्परेचर हल्का सा कम करना, ताकि फोटो में जब ब्लू टोन आ जाए। फिर जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सेचुरेशन आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। फिर उसके बाद येलो कलर में जाना है, आपको सेचुरेशन माइनस करना है यहाँ पे। एंड उसके बाद ग्रीन कलर लेना है, इसका ह्यू थोड़ा माइनस करना है, सेचुरेशन यहाँ पे प्लस करना है। एंड उसके बाद आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको जो है यहाँ पे इसका हल्का सा ह्यू बढ़ाना है, सेचुरेशन बढ़ा देना है। तो अगर इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर आ रहा है, तो थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे इसका ह्यू कम कर लेते हैं हल्का सा, है ना। अब जिसमें पर्पल कलर आ रहा है उसको गायब करने के लिए हम इसका सेचुरेशन माइनस करते हैं यहाँ पे, उसके बाद करेंगे डन। अब इतना हो जाने के बाद आपको जाना है कलर के नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो क्लियरिटी इंक्रीज़ करनी है, फोटो में जो विग्नेट दिख रहा है वो डालना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ाना है। एंड जाना फिर गाइज आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको थोड़ा फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है एंड उसमें नॉइज़ रिडक्शन डाल देना है। एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नॉइज़ रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइज फाइनली हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइज देख सकते हैं आप। तो गाइज आशा करता हूँ और आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।